सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्मार्टफोन्स की तो गेम्स हम सभी जानते हैं, होते हैं बहुत सारे भैया, हमने भी काफी एंजॉय किए हैं। लेकिन अगर चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाए तो, यानी कि स्मार्टफोन्स के लिए गेम नहीं बल्कि गेम के लिए स्मार्टफोन, तो आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे एक ऐसे ही अपकमिंग फोन के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद दोस्तों मार्केट में आ सकता है, और यहां पे आपने बिल्कुल ठीक गेस किया, मैं आपसे बात करने वाला हूं पबजी वाले स्मार्टफोन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर नया, आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में मोबाइल गेमिंग कितनी ज्यादा दोस्तों पॉपुलर होती जा रही है हर दिन। मतलब यहां पर दोस्तों गेम्स, चाहे दोस्तों बात करें पबजी की, चाहे दोस्तों मैं आपसे बात करूं यहां पे लीग ऑफ लेजेंड्स की या फिर फोर्टनाइट वगैरह की, तो यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। लोग अक्सर दोस्तों मोबाइल फोन खरीदने के बाद भी गेम्स तो एंजॉय करते ही हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो यार एक नया स्मार्टफोन सिर्फ इसीलिए परचेज कर रहे हैं कि वो उसमें काफी अच्छे तरीके से गेम्स खेल पाएंगे। मतलब एक जमाना था जब दोस्तों फोन का यूज हुआ करता था बात करने के लिए, आज की डेट में हम बात करने के अलावा बहुत सारे दोस्तों काम और कर पाते हैं, और अक्सर होता है फोकस इन्हीं चीजों पे। तो यहां पर दोस्तों आपने खैर रिसेंटली दोस्तों पिछले एक दो सालों में यह भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो गेमिंग स्मार्टफोन्स के नाम पे आपको एक अलग से एक और फोन लाके दे रही है। फिर चाहे हम बात करते हैं यहां पे रेजर फोन की, चाहे हम बात करते हैं यहां पे एसुस के आरओजी फोन की, या फिर हम बात करते हैं शाओमी के ब्लैक शार्क की, या फिर मतलब ऐसे दोस्तों और बहुत सारे फोन्स की जहां पे जो मेन फोकस है उसी बात पे है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस को निचोड़ा जाए उस फोन में, ताकि आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिले वो बिल्कुल स्मूथ मिले। तो यहां पे अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है, और ये पिछले खैर कुछ दिनों से पूरा सीन चल ही रहा है, जहां पे जो पेरेंट कंपनी है पबजी मोबाइल की, जिसका नाम है टेंसेंट, जिसका दोस्तों यहां पे लीग ऑफ लेजेंड्स भी उसी का गेम है, और इनफैक्ट दोस्तों फोर्टनाइट की पेरेंट कंपनी है एपिक गेम्स, उसमें भी टेंसेंट का 40% का हिस्सा है। तो यहां पे टेंसेंट जो है वो बात कर रहा है अलग अलग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर कंपनी से, जहां पे लिस्ट में एसुस का नाम है, रेजर का नाम है, शाओमी वगैरह का नाम है, कि शायद दोस्तों यहां पे प्लानिंग ये चल रही है कि एक पबजी के लिए मोबाइल फोन मार्केट में लेके आया जाए। मतलब जो टेंसेंट है वो अपना खुद का एक स्मार्टफोन लॉन्च करे, और यहां पे शायद ये को ब्रांडेड हो सकता है या फिर कंप्लीटली सेल्फ ब्रांडेड भी हो सकता है। अब अगर आप दिमाग में सोचें कि इस फोन में क्या क्या लगा होगा अगर ये फोन आ जाता है, तो शायद काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हमको लग रहे हैं कि ऐसा हो जाए पॉसिबल। तो यहां पे ऑफ कोर्स प्रोसेसर कौन सा होगा, जो भी लेटेस्ट दोस्तों लगा होगा वही होना चाहिए, जो कि होगा फिलहाल के लिए तो खैर स्नैपड्रैगन 855। अगर हम बात करें रैम की, तो यार ये भी अब अगर गेमिंग फोन की बात कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब परफॉर्मेंस पे ये सारा फोकस, तो होनी चाहिए 10 या फिर इनफैक्ट इवन 12 GB की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अब चाहे उसके अंदर एक पंखा लगा हो, या फिर दोस्तों कुछ लिक्विड कूलिंग हो, वेपर चैम्बर वगैरह हो, या फिर एडिशनल कुछ हीट सिंक वगैरह हो, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी एक ऐसे स्मार्टफोन के लिए जहां पे परफॉर्मेंस जो है वो अचीव करना हमारा मेन मकसद हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स, बिकॉज़ यार एक स्टैंडर्ड स्मार्टफोन तो फिर स्टैंडर्ड स्मार्टफोन ही हो गया, लेकिन अगर आपको गेम एंजॉय करना है, अगर आपको पबजी में भैया चाहिए सफलता, तो आपको चाहिए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म, फिर चाहे वो एयर ट्रिगर्स हो, चाहे प्रेशर वाले बटन हो, या फिर कोई जॉयस्टिक वगैरह हो, ताकि आप गेम में और बढ़िया सफलता ले पाए और गेम को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाए। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो डिस्प्ले है ना वो आता है सबसे एक और मेजर फैक्टर के रूप में, जहां पे आपको चाहिए हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जो कि एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का हो, या फिर इनफैक्ट इवन हो अगर 120 हर्ट्ज का तो और काफी मजेदार चीज हो, जहां पे आपको एक सभी तरफ से कंप्लीट पैकेज मिल जाए। और अगर उस फोन में पबजी या फोर्टनाइट वगैरह पहले से ही इंस्टॉल्ड हो आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो दोस्तों अपने आप में और बहुत ही कमाल बात हो। तो यहाँ पे टेंसेंट क्योंकि बात कर रहा है बाकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, तो लगता तो यही है कि शायद बहुत जल्दी ही हमको क्या पता देखने को मिल जाए एक स्मार्टफोन पबजी वाला। लेकिन फिर दिमाग में सवाल आता है कि जैसे भैया इंडिया में रिसेंटली दोस्तों पबजी को बैन वगैरह किया था, और अगर ये फोन इंडिया में आता है, मतलब ऑफकोर्स दोस्तों पहला मार्केट होगा वो चाइना होगा इस फोन के लिए, बिकॉज अक्सर ऐसा देखा गया है कि फोन पहले चाइना वगैरह में आ जाते हैं, उसके बाद में वहां से निकल के आते हैं इंडिया में। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहां पे इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है पबजी की, स्मार्टफोन मार्केट अपने आप में इतना बड़ा है, तो अगर ये फोन इंडिया में आता है तो सवाल ये कि भाई जैसे बीच में पबजी पे बैन वगैरह था,
तो फिर क्या इस फोन पे भी बैन अगर कभी लगाना हुआ पबजी में, तो क्या फोन पे भी बैन लगाया जाएगा दोस्तों? लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स ये फोन सिर्फ पबजी के लिए नहीं होगा, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड गेमिंग स्मार्टफोन होगा टेंसेंट की तरफ से, जहां पे डेफिनेटली पबजी को जो है वो बेहतर ध्यान रखते हुए इसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि कैसे आपको पबजी वगैरह का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल मिले, बिकॉज जो पॉपुलैरिटी हो रही है पबजी की यार वो बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है कि अगर एक फोन स्पेशली पबजी की तरफ से आ जाए कि भैया ये लो और इसी में खेलो, तो लोग डेफिनेटली उसको एंजॉय करेंगे। बाकी अगर आप इन सभी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय, और अगर ऐसा फ्यूचर में हो तो क्या आप उस फोन में इंटरेस्टेड होंगे? कैमरा हो सकता है उसकी प्रायोरिटी ना हो, बिकॉज गेमिंग फोन है तो कैमरा अक्सर थोड़ा सा एवरेज रहता है, लेकिन बाकी सब हो सकता है आपको भैया उसके अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ मिल जाए। आपका क्या है कहना मुझे कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।